एपिसोड की शुरुआत में एक बड़ा मर्क्यूरी बॉल दिखाया जाता है, जिसमें जो कि वही रहता है जो कि उस एक्सप्लोडेड बिल्डिंग के ऊपर फोड़ा हुआ रहता है। फिर तभी वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हेड रहता है वो बोलता है कि इस बॉल को यहाँ से हटा दो। फिर जीएस सबको ऑर्डर देता है कि होली ग्रेल वॉर को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया जाए एंड कास्टर और उसके मास्टर को एलिमिनेट करो, क्योंकि वो फ्यू की सिटी में से बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं उनका मर्डर करके उन्हें मार रहा रहता है। एंड वो उन्हें बताते हैं कि जो कास्टर को मारेगा उनको एक एक्स्ट्रा सर्वेंट भी मिल सकता है, सो तुम लोग जल्दी करो एंड कास्टर और उसके मास्टर को मार दो। फिर जीएस कहते हैं कि जब कास्टर उन सबसे लड़ लड़ के वीक हो जाएगा तब तुम आर्चर को वहाँ पे उसे लड़ने के लिए भेज देना, जिससे कि वो कास्टर को खत्म कर देगा। ऐसा वो टोकियोमी को बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में वेवर के घर पे एक कुरियर आया हुआ रहता है, जो कि राइडर उस पे अपनी सिग्नेचर करके उसे रिसीव कर लेता है एंड वेवर उसे देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके होली ग्रेल वॉर को इग्नोर करते हुए बिहेवियर को देख के भी। सो वो डिसाइड करता है कि अगर वो कास्टर को मारेगा तो वो उसके लिए न्यू मॉडर्न क्लॉथ्स लेके आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में पेरिस में किरित्सुकी बोलता है कि जब सारे सर्वेंट कास्टर को मारने जाएंगे तभी हम उन सब पर अटैक कर देंगे एंड हम उन लोगों को मार देंगे। एंड जो फेवर रहती है वो इस डिसीजन को डिनाय कर देती है बिकॉज सारे बच्चों की उस बैटल में जान खतरे में थी इसलिए। तो वो किरित्सुकी और इरिसवेल को एक बॉल में देकर कहते हैं कि कास्टर उन बच्चों के साथ क्या कर रहा है वो उन लोगों को बताता है एंड वो उन्हें खत्म कर रहा रहता है। एंड जो इरिसवेल रहती है वो सेबर को ऑर्डर देती है कि वो जाके उस कास्टर को मार दे, बट जो जेफर है वो वहां पर जाती है कि तभी जो कास्टर है वो उन सभी को मार देता है। फिर सेबर गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ हमें पता चल जाता है कि कास्टर का जो नोबल फैंडम है वो ह्यूमन स्किन से बनी है एंड उसके बाद वहाँ पे वेवर उस डार्क में फंस जाता है कि तभी वो सेबर को बचा लेता है। वो दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कास्टर को एलिमिनेट करने के मकसद से लड़ते हैं। कास्टर से इरिसवेल, किरित्सुकी, माया और इन सभी से इस पैलेस से जाने के लिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे किनेट भी आने वाला था, क्योंकि लैंसर भी यही है। अब केनेथ अपने मेटलॉइड मैजिक से सिक्योरिटी को दबाते हुए पैलेस में घुस जाता है एंड किरित्सुकी के रूम में आ जाता है एंड उसको टाइम अल्टरेशन मैजिक के यूज से वो वहां से भाग जाता है। अब केनेथ किरित्सुकी को ढूंढता है अपने मैजिक से, किरित्सुकी है वो अगेन अपने मैजिक को यूज करके अपनी हार्ट बीट को स्लो कर देता है। उसके बाद केनेथ उसके सामने आ जाता है एंड तभी वो उसे शूट करने वाला ही रहता है कि तभी। तो ये वाला एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।